गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास सेवेंथ चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। लास्ट टू वीडियोस में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने हार्ट के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स। भाई एक्सक्रीट मतलब बॉडी से बाहर निकालना। भाई रेस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं बॉडी से, इसे कहते हैं एक्सहेलेशन। ओके, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करते हैं बाय इजेशन। इजेशन मतलब सॉलिड मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल देना। लेकिन बॉडी की मेटाबॉलिक बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि कुछ लिक्विड मटेरियल भी बनता है, लिक्विड वेस्ट मटेरियल या नाइट्रोजनस मटेरियल, जिसे बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है और जो कि हमारे ब्लड में मिक्स होता है उसे बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो इस टाइप के रिमूवल जिसमें सेल के वेस्ट प्रोडक्ट्स को, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। बट एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों होते हैं। सॉलिड लिक्विड बाय इजेशन बॉडी से बाहर निकलता है, लेकिन जो लिक्विड मटेरियल है जो कि ब्लड में मिक्स है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में बाय द किडनीज, आपने सुना ना किडनी के बारे में, गुर्दे, उसके थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है। यस, इस वर्किंग के लिए हमारी बॉडी में दो किडनी सेम के साइज़ की है ना, देखो साइज़ कैसा है, सेम टाइप स्ट्रक्चर है, इस टाइप की बीन्स लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड किडनी है। ओके, ये क्या करते हैं, जब ब्लड इन रिच किस में पहुँचता है, इन किडनीज में पहुँचता है, तो ब्लड में दोनों टाइप के मटेरियल होते हैं, सबस्टांस जैसे कि यूजफुल भी होते हैं हार्मफुल भी होते हैं। जो यूजफुल सबस्टांस है वो दोबारा से ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर ले जाते हैं और वेस्ट मटेरियल यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, जो किडनीज के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज पाई जाती हैं, कैपिलरीज कहते हैं नेफ्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड नेफ्रॉन्स। आप आगे बुक्स में आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, नेफ्रॉन्स होती है, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिसमें धीरे धीरे क्या है, ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, दिस इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फिल्टर होता है और ब्लड धीरे धीरे किडनी में फिल्टर होने के बाद यूरेथ्रा, देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, यूरेथ्रा दिस इज कॉल्ड, सॉरी यूरेटर्स के द्वारा सीधे सीधे बड़े पाउच लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लडर में स्टोर होता है। दैट्स इट, जो वेस्ट मटेरियल है किडनी से फिल्टर होने के बाद यूरेटर्स से ना, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लडर में कलेक्ट होता है और यहाँ से यूरेथ्रा से होते हुए यूरिनरी ओपनिंग के द्वारा बॉडी से टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यू नो दैट एक एडल्ट ह्यूमन बींग 24 आवर्स इन वन डे में 1 से लेकर 1.8 लीटर तक यूरिन को पास आउट करता है, निकालता है बॉडी से बाहर, और इस यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक मटेरियल है, और 2.5% और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। आपको पता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में खाली किडनी से नहीं होता, आपने देखा है कब स्वेट होता है, समर में पसीना आता है, एक्चुअली स्वेट इट इज़ ऑल्सो अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसे बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। और एक स्वेट में क्या होता है, वाटर और सॉल्ट पाया जाता है ना, समर में देखा ना आपकी क्लॉथ में पैचेस बने होते हैं, अंडर आर्म्स के नीचे पैचेस बने होते हैं, दिस इज द सॉल्ट जो कि स्वेट के रूप में बॉडी से बाहर निकलता है। ओके, इसी टाइप का प्रोसेस आपने पता है आपके घर में पाया जाता है, पॉट मटका नहीं देखा जिसे पानी ठंडा करने के लिए रखते हैं, एक्चुअली पॉट ठंडा कैसे होता है, बाय द एवापोरेशन ऑफ द वाटर, एवापोरेशन ऑफ द वाटर, सेम लाइक हमारी बॉडी में स्किन के टाइप से होता है। स्वेट क्या है, स्वेट के तो पसीना वाटर निकलता है जो धीरे धीरे एवोपोरेट हो जाता है और पैच लाइक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी पे छोड़ जाता है। दैट्स इट, आपको पता है हम अपनी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल को रिलीज करते हैं बाय द फॉर्म ऑफ यूरिन, एक्वेटिक एनिमल्स पानी में रहने वाले जानवर हैं जैसे फिशेज है, वो भी एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, किसके रूप में, अमोनिया के रूप में, हम यूरिन के रूप में करते हैं यूरिया के रूप में, एक्वेटिक एनिमल्स अमोनिया के रूप में करते हैं, और कुछ लैंड एनिमल जैसे कि लिजार्ड और बर्ड्स नहीं होते, कभी ध्यान दिया है लिजार्ड जब एक्सक्रीट करती है उसमें क्या सेमी सॉलिड कुछ वाइट और कुछ ब्लैक कलर का दोनों का सबस्टांस होता है, वाइट जो कलर का कंपाउंड है वो होता है यूरिक एसिड। ओके, इट इज़ अ मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया। कभी क्या होता है, पर्सन की जो किडनी होती है स्टॉप कर देती है किसी भी इन्फेक्शन के कारण या इंजरी के कारण, तो क्या है, ऐसे पर्सन कैन नॉट सर्वाइव,
ऐसे पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि ब्लड फिल्टर नहीं होगा, ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो उस वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, जो अंदर अंदर बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वर्क के लिए हम आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ब्लड को फिल्टर किया जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस। काफ़ी बच्चे इस बारे में जानते हैं कि डायलिसिस क्या होता है, जो ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर किया जाता है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि हमारी बॉडी में किडनी वर्क करना बंद कर देती है। ओके, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।